हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कानपुर कांड का मास्टरमाइंड विकास दुबे उज्जैन में महाकाल मंदिर से गिरफ्तार। मध्य प्रदेश पुलिस ने कानपुर हत्याकांड के मुख्य आरोपी और 5 लाख के इनामी विकास दुबे को उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार कर लिया है। विकास दुबे पर 8 पुलिस वालों की हत्या करने का आरोप है। पिछले कुछ दिनों से पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए हरियाणा और दिल्ली में दबिश दे रही थी। यूपी पुलिस विकास दुबे के 5 साथियों को एनकाउंटर में ढेर कर चुकी है, वहीं कई साथियों को गिरफ्तार कर चुकी है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी विकास दुबे की गिरफ्तारी की पुष्टि की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मंदिर के पुजारी ने पुलिस को बुलाकर विकास दुबे की जानकारी दी, इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कानपुर शूटआउट का मुख्य आरोपी विकास दुबे आखिरकार पुलिस के गिरफ्त में आ गया है। एनकाउंटर के 7वें दिन विकास को मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि विकास दुबे ने खुद ही स्थानीय मीडिया और पुलिस के सामने सरेंडर किया। पुलिस के गिरफ्त में आने के बाद भी विकास पर कोई असर नहीं दिखा और मीडिया के सामने चिल्लाया, मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। पकड़े जाने के बाद भी विकास दुबे के चेहरे पर कोई डर या शिकन नजर नहीं आ रही थी। वो उसी हेकड़ी से तन कर गाड़ी तक पहुँचा। गाड़ी के पास आकर जब पुलिस ने उसे पकड़ कर अंदर बैठाने का प्रयास किया तो विकास दुबे जोर से चिल्लाया, मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। उसके इतने बोलते ही हेकड़ी कम करने के लिए पीछे खड़े एक पुलिस वाले ने उसे एक थप्पड़ मारा। विकास दुबे के 2 और साथी प्रभात मिश्रा व बउआ दुबे गुरुवार सवेरे पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। पुलिस ने बताया कि कानपुर पुलिस टीम फरीदाबाद में गिरफ्तार विकास दुबे के खास प्रभात मिश्रा को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर कानपुर आ रही थी। तभी बीच रास्ते में प्रभात ने पुलिस की पिस्तल छीन कर भागने की कोशिश की। इसी दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग भी कर दी। पुलिस ने भी गोली चलाई तो प्रभात घायल हो गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं विकास का दूसरा साथी बउआ दुबे भी इटावा में मारा गया। ये जानकारी इटावा एसएसपी आकाश तोमर ने दी। जागरूक टीवी की खास रिपोर्ट।